हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर मुनव्वर फारूकी। अभी तक मुझे लगा था उसने सच सॉरी बोल दी है, पर सॉरी शायद जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये वही वाला सॉरी तो नहीं जो हमने एक वीडियो देखा था, उसका क्लिप देखा था इसमें, जिसमें वो सॉरी बोल रहा था हंसते हुए, लग ही नहीं रहा था। हाँ वही तो, वो तो लग ही नहीं रहा था कि वो सॉरी है। और पहले बोल दो उसके बाद सॉरी बोल दो, उससे क्या तुम्हारी गलती सुधर जाती है? ऐसे लोग जो होते हैं ये सिर्फ सॉरी बोलते हैं, अंदर से उन्हें कोई गलती महसूस नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में क्या मुनव्वर फारूकी? लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर और कौन कौन? मेरे सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि मुनव्वर फारूकी को 40 लोगों की सिक्योरिटी टीम दी गई है जो उन्हें बिश्नोई ग्रुप से बचाए। किसने दी है 40 ग्रुप की टीम? मीडिया में खबरें छपती हैं कि लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर का भी नाम है। वजह, हिंदू सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचाना इंदौर वाले शो में। टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि लॉरेंस अब अपने आप को हिंदू डॉन के तौर पर रखना चाहता है। वो कुछ नहीं रखना चाहता। फिर आता है कि लॉरेंस की लिस्ट में और भी लोग हैं या सिर्फ मुनव्वर? दरअसल एनसीपी ने सारे देशद्रोही हैं लिस्ट में के गुजरने के बाद से लॉरेंस को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान के पीछे नाजारा लॉरेंस लगा हुआ है, लॉरेंस खुद भी कई बार कहा। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई बिग बॉस का विनर भी बना हुआ है। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, कितने सच कितने समझ रहे हो? यहां तक आ गया 40 की टीम है, बिना उनको लगता है कि आईडी कार्ड दिखाए किसी को मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाएगा, मुनव्वर को संभाल कर रखा गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। सबसे पहले तो कौन है मुनव्वर फारूकी? मुनव्वर फारूकी गुजरात के जूनागढ़ में जन्मे, यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी और रैप के जरिए मशहूर हुए। वो कॉमेडी है, किसी के लिए लेजेंड की बेइज्जती करना, रिलीजन की बेइज्जती करने के लिए मशहूर है। 2002 में कहा था दंगों में उनके परिवार को भी सामना करना पड़ा था, फिर मुंबई चले गए, छोटा मोटा काम के स्टैंड अप कॉमेडी में गए। 2021 में लाइमलाइट में ज्यादा तब आए जब हिंदू देवी देवताओं पर स्टैंड अप कॉमेडी का आरोप लगा, धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई, एक महीने जेल में भी रहे और उसके बाद भी उसको इतना फेमस कर डाला। वापसी की, लाइमलाइट में आए, बिग बॉस गए, जीते। हालांकि जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त मुनव्वर को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, कई सारे शोज रद्द हुए थे। दिसंबर 2021 में कॉमेडी छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। लिखा कि नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, मैं थक गया। अच्छा, नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, ये कलाकार है। वाह, कंगना रनौत ने काफी तारीफ की और शो मुनव्वर जीत गए। अच्छा, वाइफ को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे, पहली पत्नी से अलग हुए, फिर दूसरी शादी की, फिर काफी चर्चा रही। पहली वाइफ जैस्मिन थी, दूसरी वाइफ, फिर बेटा हुआ, बाद में आया कि मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाला से शादी की, और बीच में कई सारे अफेयर्स की चर्चाएं उनकी जो है वो बॉस में गए। लेकिन इन सब के बीच में लॉरेंस कर सकते। अब लॉरेंस मुंबई से उसी फ्लाइट में ये भी शूटर्स गए थे, वही होटल बुक किया था जो फारूकी का था। खुफिया एजेंसी को भनक लगी, दिल्ली पुलिस सदर किया, फेल हो गई प्लानिंग, फिर मुनव्वर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुनव्वर एक नाम है, हालांकि लॉरेंस की लिस्ट में कहा जाता है कई और भी नाम, भरा पड़ा है देश ऐसे लोगों से। कई और नाम है, एक नाम सलमान खान का आप जानते ही हैं, वो तो है 1998 में काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम है। और कौन है? दस्तावेजों के मुताबिक बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है, सलमान खान का बार बार जिक्र हो रहा है। जीशान सिद्दीकी का नाम है, बाबा सिद्दीकी के बेटे। ओह,
खबर थी कि बाबा सिद्दीकी की घटना के दिन निशान भी टारगेट पे थे। शगनप्रीत सिंह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत भी विष्णु गैंग के निशाने पर है। विक्की मुंडू खेड़ा के हथियारों को बना भी दिखाता है इनका भी नाम। कौशल चौधरी गुरुग्राम जेल में बंद कौशल चौधरी मिंटू खेड़ा मामले में हथियार सप्लाई करने का आरोप है इनका भी नाम है। अमित डागर चौधरी के करीबी सहयोगी डागर भी उस घटनाक्रम में शामिल थे उनका भी नाम है। हालांकि मनोवर को कहा था कि मनोवर की जिंदगी पुलिस को बचा गई। विष्णु गैंग ने बड़ी कोशिश की थी ट्रैक कर लिया था पूरा। कितना सच कितना फसाना पता नहीं लेकिन मीडिया की रिपोर्ट यही कहती है कि सलमान खान के बाद मुनव्वर एक बड़ा नाम जो लॉरेंस के निशान। तो भैया इसको लगा था मुनव्वर फारूकी को कि कोई भी वीडियो सी बना दूंगा सॉरी की और बात खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं ना एक बारी तुम तीर अगर छूट जाता है तो वो वापस नहीं आता, वो क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर वापस नहीं आता है। तो जब तुम बोलते हो या जो करते हो वो बहुत सोच समझ के करो। और मैं तो ये देख रही हूँ कि बिग बॉस कैसा ये शो है जो इस टाइप के लोगों को इनवाइट करता है अपने शो के अंदर जो ऐसे घटिया विचारधाराओं के हैं उनको लाकर फिर उनको जिताता भी है। इससे क्या पता चल रहा है? और ये बिग बॉस और ये सब, बिग बॉस भी मेरे ख्याल से सलमान खान का ही है शायद, सलमान खान ही कराता है ना बिग बॉस भी शायद, कुछ था ऐसा कुछ यहाँ पहले कराता था या अभी भी कराता है आई डोंट नो क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है। पर इससे क्या पता चल रहा है कि जो इस गंदे विचारधारा के लोग हैं उनको कैसे प्रमोट करना है कैसे फेमस करना है ये काम चल रहा है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड में उनका करियर तबाह करना चाहिए, उनका को फ्यूचर नहीं होना चाहिए कि तुमने इस टाइप का ये काम किए हैं, गंदी विचार है तुम्हारे। उसकी उस वो होने की जगह यहाँ उल्टा आपको दिख रहा है कि वो इतना फेमस इतना अमीर हो रहा है बंदा। देख सकते हो कि बिग बॉस में जा रहा है और वहां पे उसको विनर भी बनाया जा रहा है। तो पूरी वही कह रहे हैं ना सिस्टम ही खराब है। तो अब उस सिस्टम को जो खराब सिस्टम है उस सिस्टम के अगेंस्ट एक अकेलौता लॉरेंस बिश्नोई खड़ा हुआ हुआ है और अब इनकी जान निकली पड़ी है कि ये झूठी सॉरियां भी बोलने लग गए हैं। और उसने क्या लिखा कि भैया मैं कॉमेडी जो है वो छोड़ रहा हूं क्योंकि क्या समथिंग जीत गया और कलाकार हार गया। वाह, मतलब उसको अंदर से अभी भी नहीं है ये तुम्हारी कलाकारी है। हाँ तुमको नहीं, तुमको अगर बोलना है तो अपने रिलीजन के बारे में मजाक उड़ाओ, किसी और के रिलीजन को करने का तुमको किसने हक दिया? तुम्हारे रिलीजन पे कोई मजाक उड़ाता है तो तुम क्या करते हो? वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। दैट वाज अ पॉइंट, बताओ गुस्सा आता है। किसी और के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अगर मजाक करना ही है अपने रिलीजन का करो ना, नोबडी स्टॉपिंग यू। वारी दुनिया, दैट वाज अ प्रॉब्लम। और उसके बाद बिग बॉस में चला गया, उससे पता लगता है कि पूरा नेक्सस है ईविल जो लोगों को ऊपर उठाता है कि उनको हम दिखाएं और दुनिया को दिखाएं कि देखो ऐसे लोग ऊपर जाते हैं जो इस तरह के हैं और ये हमारे देश में हो रहा है। और फिर ये घबराते हैं उन लोगों से जो ऐसे बुरे लोगों को उड़ाते हैं फिर उनको बुरा बनाते हैं, उनको फंसा रहे हैं, उनकी लाइफ खत्म कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो वो बहुत साफ दिख रहा है। फिर आप खुद ही जब आप ये सब देखते हो तो आपको दिखता है तो आप सोचते हो भैया सही कौन गलत कौन। भैया गलत को सही दिखा रहे हो तुम लोग और सही को गलत दिखा रहे हो। वारी दुनिया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।